बनी चाव में युवान जो है वो एक स्प्लिट पर्सनालिटी है, यानी कि भैया पल में माशा पल में तोला, और आप डिसाइड कर लीजिए आपने किससे बात की थी। बहरहाल उनका ये जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर है उसके बारे में सबको पता चल गया है, लेकिन पॉइंट की बात ये है कि पता भी चल गया तो जनाब आप क्या उखाड़ लेंगे, क्योंकि कहानी तो आगे जाकर और कंफ्यूजिंग होने वाली है। चलिए भाई, अब बन्नी और युवान के पूरे परिवार को ये पता चल गया है कि युवान एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गया है। स्प्लिट पर्सनालिटी? मतलब आज जो हमें मिला, जिसने ये सब किया, वो युवान की स्प्लिट पर्सनालिटी? स्प्लिट पर्सनालिटी इसलिए आई है क्योंकि युवान की जिंदगी नहीं जीना था। कभी वो कबीर बनता है तो कभी युवान। डॉक्टर तुलिका ने घर वालों को बताया तो वहीं दादाजी पहुंच गए बन्नी के पास। अब वो जानते हैं कि ऐसी हालत में बन्नी ही है जो उनकी मदद कर सकती है। अब युवान को फिर से युवान बनाना है, उसके अंदर जो कबीर घुस गया है ना उसे बाहर निकालना है। दादाजी यहाँ पर बन्नी के पास बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए हैं। तो भाई अब बन्नी ने भी कमर कस ली है, उसके साथ अगस्त्या है, तुलिका है, ये सब मिलकर युवान को फिर से ठीक कर देंगे, फिर से उसे युवान बना देंगे, जिसके लिए उन्होंने एक तरकीब सोची है। हाँ जी, तो सीन ये है कि बन्नी और अगस्त्य घर पे कुछ बात कर रहे थे, जो मसला चल रहा है इस वक्त कबीर को लेते हुए। जब बाहर आया देखा दादा साहब विराज है, तो बन्नी ने कहा कि आप अपना राय, पर दादा साहब बहुत टेंशन में है कि हम इस वक्त क्या कहें, मतलब माहौल ही ऐसा है कि जो युवान, जो हमारा प्यारा सा युवान है, उसी की वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। पर जड़ तो उसके अंदर का वो युवान है, कबीर है, जो स्प्लिट पर्सनालिटी है, जिसने देखो बन्नी का क्या क्या हाल किया हुआ है, बैंडेड भी लगा हुआ था, तो वो आप बहुत जल्द देखेंगे। अब है उसके लिए मैंने, अगस्त्य तुलिका ने कुछ प्लान किया है दादोसा ने, उसके बारे में मैं ऐसे थोड़ी बता सकती हूँ आपको। अब वो तरकीब ना बहुत ही कमाल की है, फिलहाल तो अभी हम आपको वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तरकीब ना देखने में ज्यादा मजेदार लगेगी। अगर ये तरकीब काम आ गई और सीरियल को TRP मिल गई, तो शाम 6:30 के स्लॉट में एक नया हंगामा भी हो सकता है। मुंबई से स्नेहिल यादव और प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।